माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, लिए एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मशरूम पॉइजनिंग। जी हाँ, मशरूम एक बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला पदार्थ है, पर कभी कभी हम ये भूल कर देते हैं ये जानने में कि कौन सा मशरूम खाने वाला है और कौन सा मशरूम जहरीला है। इसलिए अगर आपको इसकी पहचान हो तभी आप ये मशरूम खाइए। हमारे अस्पताल में कुछ केस आए थे जहाँ पे मशरूम पॉइजनिंग के थे, तो उस संबंध में मैंने उस मरीज़ के रिश्तेदार से बात की। पहले तो आप ये वीडियो सुनिए। जमीन का? अच्छा, तो किस रंग का था वो? सफेद, बिल्कुल सफेद था। छतरी के साथ तो आपको ये पता है कि कौन सा जहरीला है कौन सा जहरीला नहीं होता, ये मालूम कुछ आपको? तो पता नहीं था। आपको नहीं पता था? तो फिर आप लोगों ने वहाँ से उसको बटोर लिया, फिर क्या किया? सब्जी बना के खा ली। उसके बाद क्या दिक्कत होने लगी और कितनी देर के बाद होने लगी? बस 10-15 मिनट बाद। हाँ, चक्कर और उल्टी होने लगी। 10-15 मिनट में चक्कर आने लगे, उल्टी होने लगी। इसके अलावा और किसी को कोई दिक्कत हुई? कोई जैसे कि लार आना, ज़्यादा ये कन्फ्यूजन स्थिति हो जाना, या दिल तेज धड़कना, मुँह सूखना, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसे चक्कर से आने लगे तो आपको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हो गया है, और ये भी समझ में आ गया वही मशरूम से हो गया? अच्छा, तो फिर आपने लेके अस्पताल दौड़े इनको? अच्छा, तो सीधा यहीं ले थे, पहले वहाँ गए थे बेस अस्पताल गए, वहाँ पर गए थे, फिर वहाँ से फिर इनको यहाँ पे रेफर कर दिया गया। कोई इसमें से सीरियस भी है? कोई सीरियस है कि सब ठीक है? अभी एक सीरियस भी हो गया है। अच्छा, तो कितने लोगों ने खाया था? तो सातों को दिक्कत होगी कि सातों को ही? उसमें कितने बड़े कितने छोटे थे? दो बड़े, दो छोटे हैं। अच्छा, अच्छा, टोटल कितने मरीज हैं आपके? 7 मरीज है ना? अच्छा, तो अच्छा, तो आप बनाया खाने के 10-15 मिनट में दिक्कत होने लगी? अच्छा, तो भैया, तो आइए, मशरूम जो होती है उसमें कई सारी जंगली वैरायटी होती है, तो उसको ऐसे जब तक पूरा पता ना हो कि कौन सा जहरीला है उसको नहीं खाना चाहिए। तो पहले भी कभी ऐसे तोड़ तोड़ के खाते रहे हो? पहली बार शौक आया? कौन लेके आया था? तुम लोग घर में से लाया था कोई? तोड़ लाए? हाँ, तो आगे से ख्याल रखना भाई, ये मशरूम बहुत ही जहरीले तो हर तरह के होते हैं ना। ठीक है, तो अभी आपने सुना कि कैसे ये मरीज का परिजन है ये बता रहा था कि इसके परिवार के 6-7 लोगों ने मशरूम की, जो कि जंगल से तोड़ करके ले आई थी औरतें, उन्होंने मशरूम बनाया घर में, और मशरूम खाने के 10 से 15 मिनट के बाद ही दिक्कत होने लगी। हम सभी जानते हैं मशरूम एक बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला व्यंजन है, जिससे कि कई सारी सब्जी और पिज़्ज़ा वगैरह में भी मशरूम डलता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं। पर यह हमें बहुत जान लेना ज़रूरी है कि कौन सा मशरूम जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है, कौन सा खाने योग्य है, क्योंकि इसमें से अगर ज़रा सी भी चूक आपसे हो जाती है तो ये इतना ख़तरनाक जहर इसमें होता है जो जिसकी वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो मैं इस वीडियो को अगले भाग में बताऊंगा कि आप जहरीले मशरूम और नॉर्मल मशरूम की पहचान कैसे कर सकते हैं, और हम मशरूम पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करते हैं। ज़्यादातर मशरूम जो खाने योग्य होता है वो मशरूम फार्मिंग जो करते हैं, इस वीडियो में आप, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मशरूम फार्मिंग लोग करते हैं, क्योंकि अच्छी खाने वाली वैरायटी की लोग मशरूम उगाते हैं, फिर उनको पैकेट में सील करके बाज़ार में बेचते हैं। ये मशरूम जो होता है, जो कि बाज़ार में इस तरह से मिलता है पैकेट में, ये श्योरिटी के साथ दिया जाता है कि ये कोई जहरीला पदार्थ ना हो इसमें और ये आराम से खाया जा सके। पर बहुत सारी वैरायटी है जो कि हम लोग कभी जंगल में खेतों में देखते हैं तो हमें टेम्पटेशन हो जाता है कि हम इसको तोड़ लें, हम इसको खा लें, हम इसको बना लें, लेकिन उसमें ज़्यादातर केसेस में जो जंगली होते हैं, जो कि पेड़ पे भी आपको उगते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक तरह का ये फंगस होता है, या तो जंगल खेतों में उगते हुए दिख सकते हैं, तो उसकी पहचान कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सा जहरीला है और कौन सा जहरीला नहीं है। क्योंकि अगर आपने जहरीला मशरूम खा लिया है तो फिर आपको 10 से 15 मिनट में इसके सिम्टम आने लगेंगे, और काफ़ी केसेस में ये जान का भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का मशरूम आप पहचान करें कि कौन सा जहरीला है, कौन सा जहरीला नहीं है। देखिए, जिस मशरूम में जो थोड़ा भूरे रंग का होता है वो मशरूम ठीक होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो इस तरह के लाल तरह की कैप होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक वैरायटी है मशरूम की। जिस मशरूम में इसका जो स्केल्स हों वो नहीं लेने चाहिए, जो अम्ब्रेला की तरह ब्राउन कलर को लेने चाहिए, जिस मशरूम के नीचे इस तरह से बना हो वो नहीं लेना चाहिए। और ये मशरूम आप देख रहे हैं, ये खाने वाली वैरायटी है, ये भी मशरूम है, ये एक इस तरह का मशरूम होता है, ये भी खाने वाली वैरायटी ये होती है। ये मशरूम जो पफ की तरह होता है, कॉटन बॉल की तरह, ये भी एक खाने वाली वैरायटी होती है।
और इसको खाने से जो दिक्कत होती है, सबसे पहले आपको कुछ कुछ मरीजों में तुरंत पेट में दर्द होने लगेगा, तुरंत उल्टी आने लगेगी। अगर मशरूम खाने के 10 से 15 मिनट में ही आपको पेट में दर्द, उल्टी, बेचैनी, चक्कर, पसीना आना, कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाना, मुंह से ज़्यादा लार आना, इस तरह की दिक्कत होने लगे तो आप इंतज़ार मत कीजिए, आप तत्काल अपने आप को अस्पताल में जाकर के दिखा लीजिए, क्योंकि ये कुछ ही समय में ये काफ़ी ज़्यादा घातक रूप ले सकता है। इसमें एक तरह का जो मशरूम, जो सबसे ख़तरनाक मशरूम होता है, जिसको हम डेथ कैप के भी नाम से जाते हैं, जो एमेंशिया फिलॉयड के नाम से जो मशरूम जाना जाता है, ये सबसे ख़तरनाक मशरूम होता है। तो कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाना, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगना, हेलुसिनेशंस होने लगना, पेट में बहुत तेज़ी से अगर दर्द हो, अगर उल्टी आने का मन करने लगे, चक्कर आने लगे, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि पसीना छूटने लगा है, तो ये कुछ सिम्टम है जो कि ये बताते हैं। और ये अगर मशरूम खाने के तुरंत ही बाद हुआ है तो ये डेफिनेटली किसी और चीज़ के कारण नहीं, ये मशरूम के कारण हुई है। वैसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप जो अपने घर में कर सकते हैं, कि अगर तो जैसे पेट में दर्द है और इस तरह से कन्फ्यूज़न स्थिति है, तो आप सॉल्ट वाटर पी करके अपने आप को उल्टी करा देने का प्रयास करें, जिससे कि जो भी मशरूम खाया हुआ है, जो भी पेट के अंदर जितना है वो उसको बाहर निकल जाए, वो ज़्यादा अपने शरीर में बहुत ज़्यादा असर ना छोड़ सके। तो आप एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच नमक घोल करके उसको आप पी लीजिए, जो कि उल्टी को इंड्यूस करेगा और तत्काल आप उल्टी कर सकते हैं। घर में आप इतना ही कर सकते हैं कि आप उल्टी इंड्यूस करके और आप उसके बाद तत्काल अपने कोशिश कीजिए, और ज़रूरी भी है कि आप किसी नज़दीकी अस्पताल में अपने आप को ले जाके के दिखा दीजिए। यदि खुद ले जाने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल कर लीजिए और तत्काल किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए। हॉस्पिटल में ले जा करके डेफिनेटली आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपको गैस्ट्रिक लवाज करके उल्टी कराने का प्रयास किया जाता है, इसमें बहुत से ज़्यादा फ्लूड का नुकसान हो जाता है और फ्लूड डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आईवी फ्लूड लगा देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे कि मरीज का एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो है वो ठीक से चलता रहे। तो मरीज़ को अगर ज़्यादा उल्टी हो रही हो बहुत ही ज़्यादा, तब तो उल्टी का इंजेक्शन लगाते हैं, अदरवाइज उल्टी इंड्यूस करते हैं। एक जो दवा है जो इसमें कारगर रहती है, वो बेंजिल पेंसिलिन, जो एक तरह के एंटीबायोटिक है, जो कि हम बहुत पहले काफ़ी इसको बहुत बहुतायत मात्रा में इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते थे, पर ये जो शरीर के अंदर मशरूम की जो पॉइजन का सब्सटेंस होता है उसको उससे ये बाइंड कर लेता है और उसमें सेल में नहीं जाने देता है। तो ये बेंजिल पेंसिलिन है, तो ये इसमें मशरूम में दिए जाने से बहुत ज़्यादा लाभ देता है। मशरूम पॉइजनिंग का असर या तो इमिडिएट होता है, या तो वो कुछ समय या कुछ दिनों के बाद वो आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, मरीज के किडनी को डैमेज कर सकता है, मरीज़ के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा घातक असर कर सकता है। तो इसलिए हमको लीवर को भी बचाना है। लीवर को बचाने के लिए जो सिलीमेरिन होता है, या तो सिलीबियन नाम की ड्रग होती है, वो हम स्टार्ट में ही हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। साथ में एस्टिसिस्टाइन है ड्रग, वो भी हम लीवर के बचाव के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मशरूम ले रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से श्योर शॉट और वो बिल्कुल भी जहरीला ना हो। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए, अगर आपको मशरूम खाने का मन है तो बाज़ार से जो पैक्ड, जो फार्म में उगाए रहते हैं मशरूम, वही लेकर के आप खाएं। जंगल से तोड़ करके जब तक आपको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, आप मशरूम को हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सक्षम रहा हूँ कि मशरूम पॉइजनिंग कितनी घातक हो सकती है। तो आप लोगों से फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है, और मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आप लोग आता रहूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, और ये मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत जल्दी अपना एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।